कटनी के विजयराघवगढ़ में कुंभ से पहले साधु संतों का महाकुंभ होने वाला है। श्रीहरिहर तीर्थ स्थल पर भगवान परशुराम की मूर्ति स्थापना के भूमि पूजन कार्यक्रम में देश भर के संतों का इस महाकुंभ में जमावड़ा होगा। 12 जून को होने वाले भूमि पूजन कार्यक्रम में भगवान परशुराम की 108 फीट ऊंची विशालकाय प्रतिमा की आधारशिला रखी जाएगी। इस समारोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और अभिनेता आशुतोष राणा विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। सिंहस्थ महाकुंभ के पहले ही कुंभ लगने जा रहा है। विजय राघवगढ़ श्री हरिहर तीर्थ स्थल पर भगवान परशुराम की मूर्ति स्थापना के भूमि पूजन कार्यक्रम में देश भर के संतों का महाकुंभ में जमावड़ा होगा। 12 जून को होने वाले भूमि पूजन कार्यक्रम में भगवान परशुराम की 108 फीट ऊंची विशालकाय प्रतिमा की आधारशिला रखी जाएगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, स्वामी अवधेशानंद, श्री श्री रविशंकर, साध्वी रितंबरा, स्वामी कैलाशानंद, सतुआ बाबा, अभिनेता और लेखक आशुतोष राणा सहित कई साधु संत मौजूद रहेंगे। भूमि पूजन कार्यक्रम के बाद साधु संतों के द्वारा धर्म सभा होगी। 5 दिवसीय कार्यक्रम में प्रतिदिन विभिन्न अखाड़ों के संतों द्वारा उद्बोधन भी होगा। इसके लिए अखाड़ों के महामंडलेश्वर सहित अन्य संत शिरकत करेंगे। इसमें 5 दिवसीय रामकथा का वाचन राम भद्राचार्य जी करेंगे। विजय राघवगढ़ विधानसभा में बनने वाले श्री हरिहर तीर्थ स्थल पर भगवान परशुराम की 108 फीट ऊंची मूर्ति लगेगी। इस मूर्ति के निर्माण में 8 धातुओं का प्रयोग किया जाएगा। वास्तुशास्त्र के अनुसार मूर्ति की स्थापना होगी। यहाँ का सर्वे पहले ही हो चुका है। यहाँ पर अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की तरह मंदिर का निर्माण होगा। इससे जिलेवासियों को धार्मिक और आर्थिक लाभ होगा। राजा पहाड़ के नाम से प्रचलित महानदी और कटनी नदी के संगम तट पर श्री हरिहर तीर्थ स्थल बनेगा। यहाँ भगवान परशुराम की मूर्ति के अलावा अन्य कई देवी देवताओं के मंदिरों का निर्माण किया जाएगा। इससे धर्मनगरी को नई पहचान मिलेगी। श्री हरिहर तीर्थ स्थल के निर्माण एवं विकास को लेकर विधायक संजय पाठक काफ़ी उत्साहित हैं। उन्होंने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। विधायक संजय पाठक ने बताया कि भूमि पूजन कार्यक्रम एवं निर्माण गृह दशा वास्तुशास्त्र के अनुसार किया जाएगा। इसके लिए देश भर के साधु संतों से विचार विमर्श किया गया है। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है। हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।